नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है। इस महीने के आखिर तक उत्तराखंड रोडवेज की 300 बसें दौड़ेंगी। 150 पर्वतीय और 150 मैदानी रूटों पर ये दौड़ेंगी, तो कल 50 नई बसें उत्तराखंड रोडवेज में शामिल हो जाएंगी। आधुनिक सुविधाओं से ये बसें लैस हैं। तो अहम खबर, जहां उत्तराखंड वासियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि अब यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 150 पर्वतीय और 150 मैदानी रूटों पर ये बसें दौड़ेंगी और कल 50 नई बसें उत्तराखंड रोडवेज में शामिल हो जाएंगी। तो उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी सामने आई है, जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं नई बसें और 150 पर्वतीय 150 मैदानी रूटों पर दौड़ेंगी और 50 बसें कल उत्तराखंड रोडवेज में शामिल हो जाएंगी। तो अहम खबर, जहां इसी महीने के आखिर तक उत्तराखंड रोडवेज की 300 बसें दौड़ना शुरू हो जाएंगी, तो अब यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि बसों की संख्या बढ़ा दी गई है और ये बसें सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो कल 50 नई बसें उत्तराखंड रोडवेज में शामिल कर दी जाएंगी। अहम खबर, जहां उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी सामने आई है, अब आधुनिक सुविधाओं से लैस 300 नई बसें उत्तराखंड रोडवेज में शामिल हो जाएंगी। इस महीने के आखिर तक ये बसें शामिल होंगी और उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी खबर। इस महीने के आखिर तक उत्तराखंड रोडवेज की 300 बसें दौड़ेंगी। 150 पर्वतीय और 150 मैदानी रूटों पर ये दौड़ना शुरू हो जाएंगी, तो लोगों को अब एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और बसों की संख्या बढ़ जाने से यात्रियों को आराम मिलेगी। तो आधुनिक सुविधाओं से इन सभी बसों को लैस किया गया है और हाईटेक की बसें हैं और कुल 300 बसें अब उत्तराखंड रोडवेज में शामिल हो जाएंगी। कल 50 शामिल होंगी और इस महीने के आखिर तक ये सभी बसें उत्तराखंड रोडवेज में शामिल कर दी जाएंगी। तो अहम खबर, जहां उत्तराखंड रोडवेज अब इनमें बसों की संख्या बढ़ने जा रही है, 50 कल शामिल होंगी और कुल 300 बसें इस महीने के आखिर तक शामिल हो जाएंगी। तो 150 पर्वतीय इलाकों में और साथ ही 150 मैदानी इलाकों में ये बसें दौड़ेंगी और आधुनिक सुविधाओं से इन बसों को लैस किया गया है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।